सर, आप इससे पहले भी विजिट कर चुके हैं कई बार, आज की विजिट का बुनियादी मकसद क्या था? आज की विजिट का बुनियादी मकसद ये है कि हम एक तो जो कोविड सर्ज है इसके बारे में लोगों की अवेयरनेस लेवल को बढ़ाएं, दूसरा जो पिछले एक हफ्ते से जो हमारे केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं और कुछ दिनों से बानीहाल से हमारे काफी ज्यादा केसेस आए हैं, इसलिए तो हमने ये विजिट प्लान किया था ताकि हम अपनी बेड कैपेसिटी भी यहाँ पर देखें कितना ऑगमेंट करना है। काफी देर से हमारी जो ये 50 बेडेड जो अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल था ये प्रायोरिटी नंबर वन थी जब मैंने ज्वाइन किया था, तो इसमें तीन इश्यूज थे, एक तो इसमें पानी का इशू था, बिजली का इशू था और इसमें लिफ्ट का इशू था। सो इन व्यू ऑफ द चैलेंजिंग सिनेरियो ऑफ कोविड वी टुक मीटिंग, हरबंस जी भी मेरे साथ थे जो हमारे नोडल ऑफिसर भी हैं कोविड मैनेजमेंट के, और इमीडिएटली हमने इसमें ये डिसीजन लिया कि हमें बिजली और पानी इमीडिएटली चालू कर देना चाहिए। विद द सपोर्ट ऑफ बीएमओ राबिया जी, अपने खांडे साहब ने भी इसमें एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया और बाकी भी जितने प्रोमिनेंट सिटीजन थे, तो वी इमीडिएटली गॉट दिस वाटर कनेक्टेड। तो पानी के बाद हमने बिजली का भी कर लिया, उसमें भी एग्रीमेंट वगैरह हो गया तो बिजली भी कनेक्ट हो गई। हमारी कोशिश यह है कि बानीहाल में जितने केसेस निकल रहे हैं उसमें दोज पीपल विद माइल्ड सिम्टम्स और विद द रिलेटेड, जो जैसे मैंने अभी बताया जैसे चेस्ट पेन होता है, फीवर हो जाता है या थोड़ा थोड़ा ब्रेथलेसनेस हो जाता है, वी वॉन्ट टू क्रिएट सच फैसिलिटी दैट पेशेंट्स आर ट्रीटेड हियर ओनली लेवल टू में, उन्हें रामबन ना जाना पड़े या पिछले साल जिस तरह हम उनको धर्मुंड ले जा रहे थे वो ना हो। सो आई एम श्योर दैट इन द नेक्स्ट 2-3 डेज हमारी ये वाली फैसिलिटी क्रिएट हो जाएगी और रामबन में जितने भी केसेस, पहले तो अल्लाह करे कि कोई ऐसा केस ना आए, बट इन केस वी हैव पेशेंट्स हु आर एसिम्प्टोमैटिक बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर थोड़ा सा उनमें माइल्ड सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो हम उनको लेवल 2 कैटेगरी में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम ये भी देखना चाहते थे कि जो हम नाइट कर्फ्यू लगाते हैं और जो हमारा वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है तो इसमें क्या ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन होती है कि नहीं होती है। मुझे कल से एक दो बंदों ने फोन किया कि रिपोर्टिंग टू मी कि मे बी सम वायलेशन आर टेकिंग प्लेस, लेकिन मैंने आज देखा देर इज कम्प्लीट लॉकडाउन। अभी मैं अशर से भी आया, बाकी कुछ एरिया कसकूट साइड से भी हम आए, एक दो जगह पर हमने देखी कुछ लोग वायलेट कर रहे थे प्रोटोकॉल्स का, उनके खिलाफ हमने द डायरेक्शंस हैव बीन इश्यूड एंड यू नो एक्शन विल बी टेकन अंडर रूल्स फॉर ब्रेकिंग दिस कोविड प्रोटोकॉल्स। मैं मीडिया के हवाले से तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप वैक्सीनेशन करें। हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में अभी जो 14 डेथ्स हुई हैं इसमें ऑलमोस्ट ऑल द डेथ्स जब टेकन होते हैं उस पर भी कोविड अटैक करता है, लेकिन इट इज द मोर्टेलिटी इज नॉट देयर। दी डबल वैक्सीनेटेड जो इंसान होता है उसकी इतनी इम्यूनिटी डेवलप होती है कि वो जो है इस इन्फेक्शन के एग्रेशन को तोड़ सकता है और ही इज एबल टू सर्वाइव। इसीलिए मैंने बीएमओ मैम से भी ये रिक्वेस्ट की है कि जो उनका अनकवर्ड है फर्स्ट डोज वाला उसको इमीडिएटली कवर करें। जो पहला डोज लगाएगा ऑब्वियसली आफ्टर 6-8 मंथ्स जो उसका सेकंड इंक्यूबेशन पीरियड है तो वो सेकंड डोज भी लगाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि पानीहाल से भी वैक्सीनेशन के फिगर्स में इम्प्रूवमेंट होगी, सेहत में भी इम्प्रूवमेंट होगी। और हमने यहां पर 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन फिलहाल बनाए हैं, एक तो हमारा क्रावा में है दरपुरा में, एक हमने पहले बनाया था इधर तबीला में, और अभी परसों हमने वानीपुरा में भी एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया था बिकॉज वहां पर क्लस्टर डेवलप हो रहा था। तो 21 दिन तक हम वहां पर 100% सैम्पलिंग करेंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि 100% सैम्पलिंग के बाद उनकी रीटेस्टिंग हो और इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन जो चेन है उसको हम तोड़े। बिल्कुल सर, कल की डेट में जो है मुतअद्दिद लोगों ने डिप्टी कमिश्नर रामा आपका शुक्रिया अदा किया, जो हॉस्पिटल के अंदर जो 2 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो गए पानी और बिजली का, तो इसके साथ में कुछ इश्यूज है जैसे कल लोगों ने जो है आप तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि सीटी स्कैन जो है बानीहाल हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट की एक पोस्ट जो है वो यहां पे लोगों को बाहर करना पड़ता है। मैं आपको इस चीज की अश्योरेंस देना चाहता हूं कि जब एक मरतबा ये 50 बेडेड हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा, एसडीएच लेवल के हॉस्पिटल हर सीएचसी सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अपनी एक सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है, वंस इट इज कमीशन उसी हिसाब से उसका जितना भी सैंक्शन स्ट्रेंथ होता है इन टर्म्स ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट एनेस्थेटिस्ट और जितनी भी दूसरी लाइंस का है वो उनको मिल जाएगा, दैट एश्योरेंस इज देयर। राइट नाउ बिकॉज ऑफ कोविड प्रोटोकॉल द स्ट्रेस इज मोर फोकस इज मोर ऑन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर। आई एश्योर यू दैट वंस दिस बिल्डिंग इज फॉर्मली कमीशन इसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो हम यहां पर लगाएंगे। दिस विल बी द फेलियर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि अगर बानीहाल के पेशेंट को अनंतनाग जाना पड़े सीटी स्कैन लगाने के लिए या करने के लिए। कोशिश ये होगी कि व्हाटएवर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
इज रिक्वायर्ड इन ए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट विल बी प्रोवाइडेड दैट आई अश्योर यू। सर फाइनली एक पॉइंट ये कि अब ईद उल फितर का मुकद्दस त्यौहार भी आगे आने वाला है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिस तरह से सोशल गैदरिंग को अवॉइड करने या प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो किया जाए? एक तो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि नाइट कर्फ्यू होता है और वीकेंड कर्फ्यू यानी फ्राइडे शाम को हम मंडे सुबह तक लगाते हैं, आगे फेस्टिवल का सीजन भी आ रहा है। मैं आपकी वसातत से लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसे कि आपने बाकी बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पे देखा है कि जो कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स होती हैं, ठीक है ना, वो काफी जगहों पर बंद हो गई हैं। श्रीनगर में बंद हुई हैं, कश्मीर वैली के बहुत सारे इलाकों में लोगों ने घरों में नमाज पढ़ना जो है उसको फौकियत दी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन है, ये हर जगह फैल सकता है। इसलिए हमारी कोशिश है, मैं अपील भी करना चाहता हूं कि कल जैसे शबे कदर का बड़ा दिन है, आज ही रात को शब है, इसके बाद हमारा आगे अरफा आता है, उसके बाद ईद है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो घरों में नमाज पढ़े, क्योंकि ये कोविड जो है ये कुछ नहीं देख रहा है आजकल, आपने खुद देखा होगा ये बहुत डेंजरस म्यूटेंट स्ट्रेन है, तेजी से फैलता है। पिछले साल की तरह जो रेगुलर सिम्टम्स होते थे जैसे खांसी आती थी वगैरह वो भी नहीं है। द लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग एंड गेटिंग टेस्टेड दे हैव नो सिम्टम्स एट ऑल बट उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आने वाले 10-15 दिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी मेजर्स लेती हैं उनसे कोऑपरेट करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जो भी फैसले लेती है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है DMRRR की, जब वहां से नोटिफिकेशन निकलती है उसके बाद ही हम फैसले लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डजंट टेक एनी डिसीजन ऑफ इट्स ओन। हाँ, लोकल लेवल पर हम डिसीजन लेते हैं कि हमको लगता है अगर कहीं क्लस्टर डेवलप हो रहा है तो इमीडिएटली माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाते हैं, बट लार्जर जो डिसीजन होते हैं रिगार्डिंग कोविड मैनेजमेंट, ब्रेकिंग द ट्रांसमिशन चेन, परमिसेबल एक्टिविटीज, नॉन परमिसेबल एक्टिविटीज, नाइट कर्फ्यू वगैरह, दीज आर टेकन बाय द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड देन दे आर इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड। बिल्कुल। सो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि जो जब भी हम कर्फ्यू लगाते हैं, यू नो इट इज इन योर इंटरेस्ट, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ये हमें कोई शौक नहीं है कि हम दुकानें बंद करके बैठे, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि हमको इस वायरस के चैलेंज को फेस करना है। अभी तक डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोगों ने, चाहे वो बानीहाल के हों, बटोत के हों, रामबन साइड से हों, घूल साइड, बहुत कोऑपरेट किया, बहुत कोऑपरेट किया। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारी कॉल्स हमको आती हैं प्रोमिनेंट सिटीजन की, ट्रेडर कम्युनिटी की, लोगों की, कि सर आप इसको कंटिन्यू करें, रिस्ट्रिक्शंस को कंटिन्यू करें, क्योंकि जब तक हम कंटिन्यू नहीं करेंगे तो ये जो चेन है ये टूटेगी नहीं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना अभी तक आपने सपोर्ट किया है, कोऑपरेट किया, इसको कंटिन्यू करें। पिछले 2-3 दिन से इन लॉकडाउन की वजह से हमारे केसेस डिप हुए हैं, पिछले 2-4 दिनों में हमने 100 भी क्रॉस किया था, एक दिन 102, एक दिन 108 केस आए थे, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से वी आर होवरिंग अराउंड फिगर, जैसे कल हमारे 70 केसेस थे, उससे पहले 67 केसेस थे। हमारा ट्विटर हैंडल भी बहुत एक्टिव है, उस पर आपको हर 5-10 मिनट के बाद हम अपडेट करते रहते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करें, उसको फॉलो करने से आपको हमसे बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी कीप इट अपडेटेड। सर फाइनली सर, ये द एरिया दैट हैज बीन गिवन बाय द रेड जोन या माइक्रो कंटेनमेंट जोन, व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स हैव बीन डन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट? देखिए, व्हेनेवर ए माइक्रो कंटेनमेंट जोन इज नोटिफाइड, इसका आउट और इन पॉइंट जो होता है, इनलैंड पॉइंट, आउटलैंड, वो दोनों हम सील कर देते हैं जी। उसमें एग्रेसिव टेस्टिंग होती है, उसकी पॉपुलेशन का हम सर्वे करते हैं कि इसके अंदर कितने हैं, 200 लोग हैं, 400 हैं, 500 हैं, और उन सबका टेस्टिंग होता है जी। टेस्टिंग के बाद अगर पॉजिटिविटी निकलती है जी, तो देन वी हैव टू ब्रेक दैट चेन। इसलिए हम 21 दिन तक वो कंटिन्यू करते हैं जी। और कोशिश ये रहती है कि 21 दिन के बाद जब इन्फेक्शन जीरो हो जाते हैं, देन वी डी नोटिफाइड एज अ माइक्रो कंटेनमेंट जोन। कोशिश ये है कि छोटे छोटे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इसमें लोग भी हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैरिज सीजन है, हमने बहुत सारे मैरिज फंक्शन वालों को भी बुक करना पड़ा। राजगढ़ में एक फंक्शन हुआ था, वहां पर हमने FIR काटे, क्योंकि वो कोविड प्रोटोकॉल्स को जो थे वो ब्रेक कर रहे थे। अब जैसे लेटेस्ट शायद गाइडलाइंस ये हैं कि 25 ही अब हो सकते हैं, पहले 50 होता था, अब 25 ही है, शादी में 25 ही लोग जा सकते हैं। कोशिश यही करनी है, जैसे कि पहला वैक्सीनेशन, सेकेंड इज मास्क, आपको डबल मास्क को, जैसे मैंने 2-2 मास्क लगाए हैं, ये आप लगाएं। तीसरा, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, जैसे अभी भी आप बहुत जुड़े जुड़े हैं आपस में, आपको अलग अलग रहना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने हाथ धोएं, सैनिटाइजर्स की यूज करें बहुत अच्छी तरह, और कोशिश ये करें कि जब तक आपको कोई इमरजेंट नेचर का काम नहीं हो, खुदा ना खास्ता किसी को मेडिकल इमरजेंसी, उसको निकलना ही है बाहर, अगर आप घर में बैठ सकते हैं तो घर में बैठें, ठीक है ना। हम आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो ट्राइंग टू रोप इन
कुछ एनजीओज के साथ हम मिलकर काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज के लोग भी पॉजिटिव होंगे जो बेचारे दिहाड़ी कमाने वाले हैं, तो जब वो क्वारंटीन करेगा तो घर को खिलाएगा क्या। सो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर वेज कि हम उनकी कुछ हेल्प करें, जिसके लिए हमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। बानीहाल में ऑलरेडी एनजीओ बहुत जबरदस्त काम करते हैं, मैं उनके सब ग्रुप्स में हूं और उनकी मैं वो एक्टिविटी देखता रहता हूं। बहुत सारे रिनाउंड एनजीओ हैं, चाहे वो रामबन के हैं, यहां के हैं, हमारी क्यूआरटीज की टीम है, उन सबको इन्वॉल्व करके, एनजीओ को इन्वॉल्व करके हम इस कोरोना वायरस को इंशाल्लाह जरूर हराएंगे। थैंक यू।